स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति। महाशिवरात्रि के मौके पर बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आस्था के महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस पावन मौके को और खास बना दिया गया। इस बार बागेश्वर धाम की ओर से 125 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। शुभ विवाह में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे। साथ ही एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस महाआयोजन में शामिल होने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचे। सबने नव निविवाहित जोड़ों को सदा खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते दैंगृहम स्मरामि। एमपी के बागेश्वर धाम में साधु संत और श्रद्धालुओं का महाकुंभ लगा है। बागेश्वर धाम की मौका था महाशिवरात्रि का, जिसे खास बनाने के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस खास शादी समारोह में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाराती बनकर बागेश्वर धाम पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लक्ष्मी और नारायण का रूप धारण करे 125 जोड़े जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो गए। स्वस्ति नो बृहस्पति। धर्म के पिता के रूप में वैसे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी जो कह रहे थे वो कम नहीं कि आप सब लक्ष्मी और नारायण हो। बागेश्वर धाम में इतने भव्य इंतजाम को देखकर कई बेटियों की आंखें भी भर आई, क्योंकि इन जोड़ों में शामिल कई बेटियों के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। खुशियों का संसार बसने से जहां वो खुश थी वहीं उनकी आंखें नम भी हो गई। विवाह कराने का ऐलान भी कर दिया। हमें पता नहीं बालाजी क्या करवाएंगे, अगर सबका सहयोग, हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन बालाजी ने चाहा और बागेश्वर धाम के एक एक पागल ने चाहा तो अगले साल 125 बेटियों का करेंगे। करेंगे पक्का। 25 तो गुर्दे हो गई इसी वर्ष। अच्छा हो गई, 131 कर देंगे। 20 कौन पूर्ति करेगा? चलो चाचा कह रहे 151 चाचा के, अब 151 बेटियों का होगा। प्रदेश के मुखिया यानी एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी छतरपुर से रविश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। तुम ही जग माता मैया, तुम ही चंद माध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बागेश्वर धाम की ओर से 4 साल पहले बेटियों की शादी कराने का सिलसिला शुरू हुआ था। पहली बार 51 बेटियों का विवाह कराया गया, जो इस बार 125 जोड़ों के विवाह पे आकर संपन्न हुआ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का कहना है कि अभी तो सफर की शुरुआत हुई है, अगले साल 151 जोड़ों के सामूहिक विवाह का लक्ष्य रखा गया है और ये कोशिश आगे भी बढ़ती जाएगी। पिछले 4 साल से बागेश्वर धाम कुछ ऐसे ही सस्ता है और गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन पूरे धूमधाम के साथ किया जाता रहा है। 4 साल पहले 51 बेटियों की शादी से इस सफर की शुरुआत हुई थी।
इस बार अनुष्ठान से पहले ही बड़ी तादाद में शादी के लिए आवेदन पहुंचे थे। फॉर्म्स की ज्यादा संख्या को देखते हुए बागेश्वर धाम में 121 की जगह 125 जोड़ों की शादी करवाने का फैसला किया गया। इस बार के शादी समारोह में 58 बेटियां ऐसी थी जिनके माता पिता नहीं है। वहीं 125 जोड़ों में 2 बेटियां दिव्यांग है। गरीब बेटियों की शादी के लिए उन परिवारों को चुना गया जो बेहद अभाव में जीते हैं। अब धाम पे फार्म ज्यादा थे, 121 करना थे। कुल कितने फॉर्म आए थे इकट्ठे? इनमें से 550 फॉर्म आए थे। 550 जी हाँ, इनमें से 125 तय हुआ। हाँ, 125 तय हुआ। तो अब वो उनके घर जा करके उनकी स्थिति देखी कि कौन सक्षम है कन्या। अगर उनके माता पिता सक्षम है तो उनसे माफी मांगी कि भैया आप सक्षम नहीं हो, आप विवाह घर से कर सकते हो। ऐसी कन्या जिनके माता पिता नहीं है या माँ नहीं है पिता नहीं है, मातृहीन या पितृहीन, उन कन्याओं का चयन करना था। जो कन्या विकलांग है, 2 कन्याएं हमारे यहाँ विकलांग भी मिली हमें, उनका हमने चयन किया गुरुदेव भगवान के निर्देश में। और 58 कन्याएं ऐसी मिली जिनके माता पिता या माँ नहीं है या पिता नहीं है। शादी का आवेदन स्वीकार करने से पहले बागेश्वर धाम के सेवादारों की टीम ने देश के कई राज्यों में घूमकर आवेदकों के बारे में जरूरी जानकारी जुटाई। फिर महाशिवरात्रि के मौके पर चुनी गई बेटियों की शादी कराने का फैसला लिया गया। ये तो पूरे देश से है लगभग। दरअसल क्या है कि कहाँ कहाँ से हैं? एक दो राज्य है, एक कन्या नागपुर से भी है और एक कटनी से है, एक बच्ची आगरा से है और एक जबलपुर से है। कैसे आपने चुना इन लड़कियों को? ये हमारे सब धाम पर गुरुदेव के निर्देश से धाम मंडल बने हुए हैं। तो जैसे नागपुर मंडल ने वहाँ सर्वे किया, इधर कटनी मंडल ने किया, जबलपुर मंडल ने किया, छतरपुर पन्ना टीकमगढ़ हम लोगों ने मिलकर किया। विवादों के बीच 13 फरवरी को मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद बागेश्वर धाम में श्रद्धा के समागम की शुरुआत हुई थी। अब ये कार्यक्रम एक बेहद खास पड़ाव पर आ चुका है। दरअसल सनातन धर्म से जुड़े महाअनुष्ठान से ठीक एक दिन पहले बाबा बागेश्वर ने अपनी गद्दी से एक खास ऐलान किया था। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मेला लगेगा और 121 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार वेदोच्चारण मंत्र के साथ में बागेश्वर धाम पर संपन्न करवाया जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के ऐलान के बाद से ही महाशिवरात्रि पर 125 बेटियों की शादी के साथ ही नवविवाहित जोड़ों को एक नई जिंदगी और एक नए घर की शुरुआत के लिए जरूरत का सारा सामान भी बागेश्वर धाम की ओर से उपहार के तौर पर दिया गया है। विदाई के तौर पर बेटियों को 40 आइटम्स दिए गए जिसमें कूलर, टीवी, फ्रिज और ड्रेसिंग टेबल से घर में इस्तेमाल होने वाला हर जरूरी सामान मौजूद था। बागेश्वर धाम में वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे रीति रिवाज के साथ 125 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। हरे हरे जैसे एक पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करता है, ठीक उसी तरह बागेश्वर धाम में भी तैयारियां की गई थी। अगर आप देखें तो ये 32 इंच का LED टीवी है जो दिया जाएगा गरीब कन्याओं को सामूहिक विवाह के दौरान। इसके साथ ही आपको ये प्रेशर कुकर भी यहाँ दिख जाएगा और प्रेशर कुकर के साथ एक पीछे देखें तो वो मिक्सर ग्राइंडर है और ये प्रेस है कपड़े प्रेस करने के लिए। और इसके अलावा ये घड़ी जिसपे बागेश्वर धाम और सन्यासी बाबा की जो तस्वीरें हैं वो भी दी गई है, पंडित हरिकृष्ण शास्त्री की तस्वीर है। और इसके अलावा बड़े सामान की जब हम बात करेंगे तो पीछे की तरफ आप देखिए ये कूलर आ रहा है, ये कूलर भी है जो उन गरीब कन्याओं को दिया जाएगा। और इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए ये तमाम बड़ी चीजें रखी है। ड्रेसिंग टेबल है जो दी जाती है शादियों में और इस ड्रेसिंग टेबल के साथ अगर देखें दूसरी तरफ तो आपको ये कंबल भी दिख जाएंगे, ये बड़े कंबल हैं जो दिए जाएंगे। और इसके साथ ही ये सोफे भी रखे हुए सामने देखिए, ये सोफे रखे हैं। और दूसरी तरफ ये पूरा किचन सेट है जो दिया जाएगा। मैया जय लक्ष्मी माता। बताया जाता है कि हर साल होने वाले इस आयोजन में बाबा बागेश्वर अपनी बहन और बेटी मानकर कन्याओं को विदा करते हैं। ऐसे में शादी में वो सब उपहार देते हैं जो एक पिता अपनी बेटी को देने की कोशिश करता है। इस बार भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। समारोह पूर्ण हो गया है। 125 बेटियों के पिता यूं कहें कि नवविवाहित जोड़ों को एक नई जिंदगी और एक नए घर की शुरुआत के लिए जरूरत का सारा सामान उपहार के रूप में बागेश्वर धाम की ओर से भेंट किया गया। गुरुदेव भगवान का मानना ये है बेटी के यहाँ
जो गृहस्थी का सामान पूरा एक परिवार का होता है वो दिया जाए, और उनके संकल्प के अनुसार सारे शिष्यमंडल चढ़ोत्तरी से जो आता है, गुरुदेव भगवान ने लगभग 40 आइटम दिया है, 40 आइटम गृहस्थी में जा रहा है कन्या के लिए, जिसमें बड़े सामान में डबल बेड है, सोफा है, ड्रेसिंग टेबल है, गोदरेज अलमारी है, कूलर है, फ्रिज है, एलसीडी टीवी है, और ये बाकी किचन सेट है, प्रेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएमटी यानी गुड न्यूज टुडे।